चाहिए, क्योंकि एक सुनीता सिंह के न्याय का मामला नहीं है। अगर इस मौके पे आप सब लोगों ने न्याय दिलाने का काम नहीं किया, आगे आप सब लोग नहीं आए, तो पता नहीं आगे चलकर कितनी सुनीता देवी इस तरह की होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं। रामाश्रय जी हमारे बीच से चले गए, डॉक्टर नहीं आए, लेकिन अब कोई दूसरा रामाश्रय हमारे बीच से उस तरह से न जाए, यह तो हमारे आपके हाथ में। भाइयों मित्रों, क्या आप सब लोग जो यहां उपस्थित हैं, सुनीता देवी जी के आग्रह पे न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़े हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं, इनको न्याय मिले, इसके लिए जिसने भी बुलेट का प्रयोग किया उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन बुलेट से नहीं, पायलट से देना है। क्योंकि सिर्फ इनको न्याय दिलाने भर का मामला नहीं है, वैसे लोग जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, घृणित काम किया, वैसे लोगों को सजा देना दिलाना आपके बाल बच्चों के हित में भी नहीं है। सरकार क्यों बनती है, सरकार आप क्यों बनाते हैं? नीतीश कुमार जी के ऊपर तो इतनी उम्मीद थी, कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार जी भी शासन में आएंगे और रवैया पुराना जारी रहेगा, लेकिन हो वही रहा। आपके साथ न्याय नीतीश कुमार जी ने भी नहीं किया, बिहार भर के लोगों के साथ नहीं किया, जो गरीब लोग हैं विशेष रूप से परेशान हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, किसका नुकसान हो रहा है? जो गरीब लोग हैं, शिक्षा सबके लिए जरूरी है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं शिक्षा खरीद लेते हैं, प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीब आदमी कहां जाएगा? गरीब आदमी भी सपना देखता है, देखना चाहिए भी, कि उसका बाल बच्चा भी डॉक्टर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा इंसान बने। जो पैसे वाले लोग हैं शिक्षा खरीद लेते हैं, प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीब आदमी कहां जाए? उन्हीं सरकारी विद्यालयों, जिन सरकारी विद्यालयों का पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं, शिक्षा की जो दुर्दशा है, स्वास्थ्य की भी वही दुर्दशा है। गरीब लोग दवा के अभाव में, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है, दम तोड़ते हैं। भाई और बहनों, सरकारी अस्पताल जब हम लोग दिल्ली में होते हैं, बिहार के गरीब लोग किसी तरह से अपनी जमीन बेचकर कर्ज लेकर दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, और वहां जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं। प्राइवेट में अगर करना होता, पैसा होता, तो यहां भी करा सकते, और वहां जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज कराते। हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में यदि होने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं किया नीतीश कुमार। 15 साल में इन्होंने भी बर्बाद कर दिया,